hard to breathe, but that's alright. Hush. कैसे हैं आप सब? फूड कैंटीन के साथ मैं हूं आपकी दोस्त। आज हम करेंगे एक बेकिंग का प्रोसेस। बेकिंग प्रोसेस में हम बनाने जा रहे हैं रेनबो केक, डिफरेंट कलर का केक। तो उसके लिए हमें बिल्कुल सिंपल चीज़ें चाहिए, तो आए हम देखते हैं। ये शेप का हम मोल्ड ले रहे हैं जिसके अंदर हम बेकिंग करेंगे। अगर आपके पास ये शेप नहीं है तो आप कोई और शेप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी मोल्ड नहीं है तो आप जिसके अंदर बर्फ़ रखते हैं पानी फ्रीज़र में जमाने के लिए, आप वो बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ फूड कलर्स हैं, कोको पाउडर है, और ये फूड कलर्स हैं जिसको हम थोड़ा ज़्यादा डाल के कलर तेज़ और कम डाल के लाइट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप और काफ़ी से कलर यूज़ कर सकते हैं। तो आए हम देखते हैं हमने कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। एक कप हमने चीनी ली है, शुगर, नॉर्मल शुगर जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। एक कप रूम टेम्परेचर दही लिया है, नॉर्मल जो यूज़ होता है। कई लोग जो खुला दही जो है वो नहीं यूज़ करते, उनको डब्बे का मिलता है तो वो काफ़ी थिक होता है, तो उसके लिए आप उसे थोड़ा सा निकाल के थोड़ा सा पानी उसमें मिक्स करके लिक्विड करके एक कप ले लें। एक कप ही हमने तकरीबन ऑयल लिया है, आप बटर, ऑयल, घी जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। और दो कप हमने फ्लोर लिया है मैदा। तो आए अब हम देखते हैं। जी व्यूवर्स, केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, उसके अंदर हम अपना रूम टेम्परेचर जो दही है वो डाल लेंगे। इसके अंदर हम अपनी जो एक कप हमने चीनी ली है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, यहाँ तक के चीनी जो है वो दही में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं, कास्टर शुगर भी ले सकते हैं, हमने नॉर्मल जो घर की चीनी होती है वो ली। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है चीनी वो दही में मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे जो कि हमारा एक कप है, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और हम आपको क्या क्या बनाकर दिखाएं। जो पैन है हमारा, हम पैन में बेकिंग करेंगे, और पैन जो है वो हमारा प्री हीट हो रहा है, और बेकिंग का जो टिप्स हैं उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वो ज़रूर चेक करें। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चीनी, दही और ऑयल जो है हमारा वो मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 कप अपना फ्लोर जो है मैदा वो डालेंगे। 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। थोड़ी सी इसकी मिकदार का ध्यान रखिएगा, 1/2 हमने बेकिंग सोडा लेना है, 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लेना है। आप जब भी बेकिंग के लिए कुछ भी प्रोसेस करें तो आप हमेशा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और जो मैदा है वो छान कर ही डालें, ताकि इससे एक तो फ्लफ़ी सा केक भी हो जाता है और साथ दूसरा हमारा जो अगर मैदे में या किसी चीज़ में कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है अक्सर या सुसरी डल जाती है तो वो ना। जी जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सारा मटेरियल मिक्स कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये थोड़ी गाढ़ी सी एक डो सी, पेस्ट सी बन जाएगी, और चम्मच आप अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। आप चाहें तो आप स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल वुडन जो है वो स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। स्पैचुला की मदद से अगर आप मिक्स करेंगे तो वो सारा मिक्स होके नीटली एक डो बन जाएगी। ये देखें सारा हमने साइडों से उतार लिया है और अब हम इसको
अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी डो हार्ड हो रही है। ये बहुत ही बेकिंग जो है मज़े का एक प्रोसेस है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें जी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी डो रेडी है। अब हम इसको अलग अलग बॉल्स में निकाल के कलर दे देंगे। कुछ में हम एक बॉल में हम कोको पाउडर डालेंगे, बाकी में हम डिफरेंट कलर्स डालेंगे। तो आई बस जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अलग अलग पोर्शंस में कर लिया है अपना बैटर। अब हम इसके अंदर कलर्स ऐड करेंगे। आप चाहें आप जितने मर्जी कलर ऐड कर सकते हैं, जितने आप कलर्स ऐड करना चाहते हैं उतने आप जो हैं उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लें। हम एक पार्ट अब इसका वाइट ही रहने देंगे, यानी कि जो कलर है इसका अपना वो, और बाकी में हम जो है वो कलरिंग ऐड करेंगे। बाज़ औक़ात कलर ऐड करने से जो है हमारा बैटर काफ़ी थिक हो जाता है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम एक से दो चम्मच जो है वो डालते हैं दूध का जी। अब एक चम्मच हम इसमें यूज़ करेंगे कोको पाउडर के का, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें आप देख रहे होंगे कि बैटर थोड़ा हार्ड हो रहा है, तो मिक्स करने के बाद अब आप इसके अंदर हाफ टेबल स्पून जो है हम ऑयल जो है दूध को ऐड कर लेंगे। अगर आपका बैटर मिक्स करके रखने के बाद 2 to 4 मिनट रखने के बाद अगर हार्ड रहे तो इसी तरह अब हम बाकी में भी कलर ऐड करेंगे। ये हम ग्रीन कलर ऐड करने लगे हैं जो कि हमने हाफ टी स्पून ले रहे हैं। इसको भी हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर देंगे। कलर हम हाफ टी स्पून लेंगे क्योंकि जो फूड कलर होते हैं इनके कलर बहुत तेज़ होता है, और बैटर हमारा कम होने की वजह से हम कम लेंगे। अगर आप डार्क कलर चाहते हैं तो आप थोड़ा डार्क कर, ये देखें। इसी तरह हम मज़ीद कलर्स लेके डिफरेंट कलर का बना लेंगे। बस जैसा कि आप देख सकते हैं हमने डिफरेंट कलर्स लिए हैं, जिसमें हमने सिर्फ 3-4 कलर लिए हैं। आप चाहें तो आप ज़्यादा कलर भी ले सकते हैं। एक हमने प्लेन रखा है, एक लाइट ग्रीन लिया है, एक डार्क ग्रीन लिया है, रेड, येलो एंड कोको। अब हम जो अपना पैन है, जो मोल्ड है हमारा, जिस भी मोल्ड में हमने बनाना है, अब हम उसे ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस का मतलब कि हम उसको थोड़ा सा ब्रश को ऑयल लगाएंगे और उसको अच्छी तरह सारा लगा देंगे। सही होगा कि हमारा जो केक है बैटर जो होगा केक का वो साइड्स साथ चिपकेगा नहीं, जब ठंडा होके हम इसको रिमूव करने लगेंगे तो वो लीज कर देगा। आप चाहें तो आप इसके अंदर बटर पेपर भी लगा सकते हैं, या आप सिंपल जो है इसको खाली ग्रीसिंग के साथ भी करते हैं। आए अब मैं आपको लेयर्स लगाने का तरीका बताती हूँ। ये डिफरेंट कलर्स हैं हम लोगों के पास, हम डिफरेंट कलर्स के साथ जो है वो बैटर का अपना देंगे। सबसे पहले हम ये देखें हमारा जो बैटर है ये सॉफ्ट है, इट्स आल्सो लुकिंग सॉफ्ट। ओके, इसी तरह हमारे जो सारे बैटर्स हैं वो सॉफ्ट हैं, तो हमें इसके अंदर जो दूध का आपको कहा था कि अगर आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा बैटर पहले ही सॉफ्ट है। इस तरह हम एक एक करके हर चीज़ की जो है हर कलर की लेयर्स लगाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने 1 स्पून जो है वाइट का लिया, सेंटर में डाल दिया सिंपल। अब हम इसके बाद ग्रीन कलर का 1 स्पून डालेंगे सेंटर में, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम रेड लेंगे, येलो, ये
लाइट ग्रीन, एंड नाउ कोको कलर। जी जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी तरह हम अगेन अपने जो कलर्स की है वो लेयर्स लगाएंगे। फर्स्ट हमने वाइट यूज़ किया था, कोको के ऊपर हम वाइट डालेंगे, ग्रीन, रेड, येलो लाइम कलर जो हमने यूज़ किया है, अगेन दिस ग्रीन, एंड लास्ट वन कोको। इसी तरह हम 4 to 5 लेयर्स लगाएंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अपने मोल्ड में डाल लिया है, 4 to 5 लेयर्स लगा ली हैं। आप ज़्यादा लेयर्स मत लगाएं कि यानी कि इसको यहाँ तक फुल मत करें, क्योंकि ये बेक होने के बाद सारा बाहर निकलेगा। आप इतना रखें कि बेक होने के बाद ये यहाँ तक आ जाए। अब हमने इसके अंदर अपनी सारी लेयर्स लगा ली हैं। अब हम, आप चाहें तो आप टूथपिक ले सकते हैं या स्पून की बैक साइड से आप इसको मर्ज कर लेंगे, जो डिज़ाइनिंग आप चाहते हैं। पहले हमने ये स्ट्रेट लगाई इधर से वापस और इधर से ये, और अब सेंटर में हमने ऐसे मिक्स कर दिया। जी मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे, और जो पैन है वो हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसको 25 to 30 मिनट्स इसको हम बेक करेंगे, और साथ हम इसको सेंटर में चेक भी करते रहेंगे कि ये बेक हो चुका है कि नहीं। पैन हमारा प्रीहीट है, पैन को प्रीहीट करने का तरीका आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको मस्ट चेक करें। तो आई एम देखते हैं। जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो पैन है वो प्रीहीट हो चुका है। आप मस्ट ग्लव्स यूज़ करें जब भी आप कुछ बेकिंग का करें। अब हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे और कवर कर देंगे। अब हम इसको 20 to 25 मिनट के बाद हम इसको टूथपिक डालकर चेक करेंगे कि ये हमारा बेक हो चुका है कि नहीं, और कितनी देर इसको चाहिए। काइंडली जो न्यू व्यूवर्स हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं 25 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये बेक हो गया है कि नहीं। अगर ये बेक हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम इसको मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे, बेक होने देंगे। इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आप एक टूथपिक लें और उसके अंदर ऐसे, ये देखें आपकी टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकली है, इसका मतलब है कि आपका केक अच्छे सा बेक हो चुका है। अब आप इसको जो है बेकिंग से निकाल लें, हमेशा ग्लव्स यूज़ करें। इसको निकाल के हम 5 मिनट रखेंगे तकरीबन ठंडा होने के लिए, और 5 मिनट बाद इस ये अपनी साइड छोड़ देकर हम इसको निकाल लें। व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लफी सा हमारा जो है रेनबो केक वो रेडी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये देखें आप देख सकते हैं हमारा केक रेडी है। जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम आपके लिए और कौन कौन सी रेसिपी बनाएं।